बीजेपी ने शहादत पर जमकर वोट बटोरे, उधड़ गई सारी शराफा, खुल गए सारे डोरे। अतीक के बहाने पुलवामा की हकीकत को दबाने की तैयारी, भरे चौराहे पर हो गई फजीहत भारी। मोदी के करीबी ने ही खोल दी बीजेपी के सारे पो, शहादत पर सियासत का बच गया डोर। And I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। अभी तक ये लग रहा था कि शायद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या यूपी में सियासी बढ़त की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही, लेकिन इस हत्याकांड ने साहिब की सरकार की हो रही फजीहत को छिपाने का काम किया। क्या है ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ दिन अतीक का मुद्दा गरमाएगा, थोड़ा हो हल्ला होगा, फिर सब दब जाएगा, बता दिया जाएगा कि जिस अतीक और अशरफ की हत्या हुई है वो माफिया था, लोग भी समझ जाएंगे, बीजेपी का गुणगान गाएंगे और इसी के बहाने वो नाकामी छिप जाएगी जिसकी वजह से हमारे 40 जवान शहीद हो गए। CRPF people ask for aircraft. They refuse to give. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक की उस कहानी का सच सामने रख दिया जो अब तक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर शान से सुनाई जाती रही। ये तो बार बार बताया गया कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन ये कभी साफ साफ नहीं बताया गया कि पुलवामा अटैक सरकार की नाकामी है या नहीं। अब उसी धागे को सत्यपाल मलिक ने खोल दिया है। CRPF people ask for aircraft. They refuse to give. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। 14 फरवरी 2019 को एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था जब पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे। जांच के नाम पर मामले को दबा दिया गया, ये नहीं बताया गया गलती किसकी है। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे जिन्होंने बताया कि कभी इतना बड़ा काफिला सड़क के रास्ते से नहीं गुजरता, एयरक्राफ्ट के जरिए कश्मीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते, लेकिन जब CRPF ने एयरक्राफ्ट मांगा तो सरकार ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये हमला हुआ। And I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सोचिए, इतनी बड़ी घटना पर अपने दामन को पाक साफ रखने के लिए कह दिया गया कि चुप रही। अब इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? हमला होने की कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? 300 किलो RDX लदी गाड़ी 10 दिन तक कैसे घूमती रही, किसके आदेश पर घूमती रही? CRPF की हवाई जहाज की मांग को क्यों ठुकराया गया? सत्यपाल मलिक को PM मोदी ने क्यों चुप करा दिया था? CRPF people ask for aircraft. They refuse to give. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त साहिब कॉर्बेट नेशनल पार्क में फोटो सेशन करा रहे थे जिसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई थी, और आज भी इस घटना की जांच पूरी नहीं हुई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए कि देश भर में खुद के खिलाफ उठी हुई आवाजों को देशद्रोह बताने वालों की इस करतूत को क्या माना जाए जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। स्पेशल डेस्क द कंटा।